सूरज के रौद्र रूप ने भोपाल में तपिश बढ़ा दी है। इस तपिश से लोगों के पसीने छूट गए हैं। नौतपा के चलते शहर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। ऐसे में कड़ाके की धूप में अपना फर्ज निभा रहे जवानों के लिए पुलिस विभाग द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर बड़ी छतरियां और नेट लगाई जा रही है, जिससे वो धूप से बच सके और स्वस्थ रहे। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप, ऐसे मौसम में जब हर कोई अपने घर में एसी और कूलर की हवा खा रहा है, तब शहर के अलग अलग चौराहों पर सैकड़ों जवान मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कई बार गर्मी की वजह से इनकी तबीयत खराब हो जा रही है। ऐसे में भीषण गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा यातायात पुलिस के जवानों को चौराहों पर छांव देने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा के निर्देशानुसार शहर के प्रमुख चौराहों पर टेंट, नेट और पानी की व्यवस्था की जा रही है। यातायात पुलिस उपायुक्त संजय सिंह ने बताया कि भीषण गर्मी में भी यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग जारी है। इस दौरान गर्मी से बचाव के लिए उन्हें छांव देने के लिए नेट लगाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों की मदद से पुलिसकर्मियों को बड़ी छतरी उपलब्ध कराई गई है। गर्मी जो प्रारंभ हुई थी उससे समय हमने कुछ स्थानों पर, मेरे ख्याल से कम 12 या 15 स्थानों पर हमने सबसे पहले प्याऊ की व्यवस्था की थी, और उसमें ट्रैफिक के जवानों के साथ साथ आम जनता भी वहाँ पे पानी पी रही थी। अब पिछले कुछ दिनों से गर्मी बहुत तेज़ हुई है, तो हमने ट्रैफिक पुलिस के पॉइंट्स पे, जो कि दिन में लगातार काम पे रहते हैं, उनके लिए गार्डन अम्ब्रेला प्रोवाइड किए हैं और जन सहयोग से ये हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा वाटर बॉटल दिए जा रहे हैं सभी जवानों को, जिसमें कि हमने CMHO के सहयोग से ORS कोल का पैकेट्स लिया है और वो लगातार उसको अपने बॉटल में लेके पानी के साथ तर होते रहेंगे ताकि उनकी तबीयत ख़राब नहीं हो गर्मी की समय। इसके अलावा जन सहयोग से ही आपका ग्रीन नेट लगाने की भी कार्रवाई चालू हो गई है। टीटी नगर क्षेत्र में लग भी गया है और कुछ और पॉइंट्स पे लगाया जा रहा है ये ग्रीन नेट, ताकि जनता के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी इसमें राहत मिल सके। सर, कुल कितने पॉइंटों पे लगाए जा रहे हैं ग्रीन नेट? ये लगभग अभी 10 पॉइंट पे लगेंगे। छाते कितने प्रोवाइड किए हैं अभी? छाते हमने 25-25 पॉइंट्स पे लिए हुए हैं, और ये पोर्टेबल छाते हैं और ड्यूटी के बाद इसको वापस अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा वो है और इससे निश्चित रूप से ड्यूटी के दौरान हमारे जवानों को राहत मिलेगी। तो कोई हेलमेट भी दिया रहा है क्या? नहीं, अभी हेलमेट का ये जानकारी आई है, हैदराबाद पुलिस ने ये वहाँ पे प्रोवाइड किया अपने जवानों को। हमारे यहाँ तक आने में अभी टाइम लगेगा, प्रोसीजर उसकी चलेगी तो उसमें टाइम लगता है। तो उनको वाटर बॉटल हम प्रेफर कर रहे हैं, पहले तो महिलाओं को ही हम वाटर बॉटल दे रहे हैं ताकि वे सावधानी रखें, और ज़्यादातर पॉइंट्स पे हमारे महिला आरक्षक भी लगी हुई है। तो छाता का, छतरी का जो उपयोग है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। ये दो सुविधाएं हैं तो, और मेरे ख्याल से हमारे जवान काफ़ी इससे लाभान्वित होंगे और अपनी ड्यूटी में मुस्तैद रहेंगे। हम लोग बावड़िया कला में एक 18th Avenue नाम से प्रोजेक्ट का निर्माण और विकास कर रहे हैं। बावड़िया कला बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है भोपाल का, तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इस संदर्भ में मेरी यादव जी, देवेंद्र यादव जी से बात हुई, जो ट्रैफिक पुलिस भोपाल में है, तो उन्होंने मेरी मुलाकात अजय सिंह जी से कराई और फिर हमारी ये चर्चा हुई। तो उन्होंने बताया कि गर्मी के प्रकोप की वजह से जितने भी ट्रैफिक के पुलिस वाले हैं वो भरी धूप में खड़े रहते हैं, तो उसके लिए कुछ छाते अगर आप दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वहाँ से ये बात की शुरुआत हुई, तो फिर हमने 25 छाते अपने साथियों को दिए, जो ट्रैफिक पुलिस वाले पूरे शहर की व्यवस्था ठीक सुचारू रूप से करने के लिए लगे रहते हैं। तो ये 25 छातों का एक छोटा सा योगदान हमारी तरफ से किया गया, और ये पूरा योगदान ऐसा लगा हमें कि हमने एक समाज को कुछ देना चाहिए वापस, तो थोड़ा सा हमारी तरफ से सहयोग है। इसी संदर्भ में हम अभी वहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, तो आने वाले अगले हफ्ते में 80 बोतलें पानी की, जिसमें कम से कम 12 घंटे पानी ठंडा रहेगा, वो भी प्रदान करेंगे। तो उम्मीद है कि इससे हमारे ट्रैफिक के जो साथी लोग हैं उनको थोड़ी
आराम और थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा काम करने में आराम मिलेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।